छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। सदन के बाहर बारिश की फुहार चल रही थी तो सदन के भीतर भी आरोप प्रत्यारोप की फुहार चली है। जैसी उम्मीद थी कि सदन हंगामेदार रहेगा, उम्मीद के मुताबिक सदन के अंदर हंगामा जमकर दिखाई दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन जमकर गरमाया। पहले दिन की कार्यवाही पर देखिए खास रिपोर्ट। मानसून सत्र का पहला दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमकर हंगामा, पक्ष विपक्ष में जमकर नोकझोंक, ज्वलंत मुद्दों पर सवालों ने बढ़ाई गर्मी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। पक्ष विपक्ष में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत दिवंगतों को श्रद्धांजलि से हुई। प्रश्नकाल में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल पूछे गए। विधायक जनक ध्रुव ने वन भूमि में फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाकर मांग पत्र बनाने का मामला उठाया, जिसके जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। प्रश्नकाल में ही प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का मामला भी उठा, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा बालोदा बाजार हिंसा मामले में बरपा। विपक्ष ने मामले में सदन के भीतर चर्चा कराने की मांग रखी। बलौदा बाजार मामले में चर्चा के लिए बकायदा स्थगन भी लाया गया, हालांकि स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार करने का कारण यही था कि बलौदा बाजार हिंसा मामले में न्यायिक जांच चल रही है। विपक्ष ने मामले में गलत कार्रवाई करने के साथ साथ लीपापोती करने का भी आरोप लगाया है। अब ग्राहक करके चर्चा कर सरकार कराए नहीं रही, भाग हुई है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या बात होगी। वो इसमें ग्राह करके चर्चा नहीं कराएंगे तो किसमें करा। सत्ता पक्ष भी मौका मिलता है, वो चर्चा में भाग लेते। विपक्ष तो रख ही रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को मौका मिलता है। लेकिन विष्णुदेव सरकार इस मामले में उदारता उन्होंने नहीं दिखाई। पावा सत्र का पहला दिन और पहला स्थगन, उसे ग्राह करके चर्चा कराना था, जो नहीं कराए, इस सरकार की नाकामी दिखाई देती है। हमारे गरीब लोगों को एक साथ रखने की सद्भावना के साथ उसे नष्ट करने की एक षड्यंत्र यहाँ जारी हो रहा है। यहाँ समाज से समाज को ही लड़ाने की कोशिश हो रही है, यहाँ समाज से अन्य समाज को अलग करने की कोशिश हो रही है। यहाँ जानबूझ के कांग्रेस और बसपा कह के कोई ऐसा दल है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। बलौदा बाजार मामले में विपक्ष का स्थगन स्वीकार भले ही ना हुआ हो, लेकिन विपक्ष ने सदन के भीतर अपने विचार व्यक्त करते हुए जमकर आरोप लगाए। विपक्ष के आरोपों पर विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने अपने जवाब से सदन को अवगत कराया। घटना की शुरुआत से लेकर और जांच कमेटी के गठन तक पूरी सरकार की कार्रवाई गिना दी। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिनके पास जो जानकारी है, जिसको चिंता है, वो जाकर जरूर बताएं। मेरा आग्रह उनसे है, सदन में बताना, यहाँ वहाँ भाई जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उनको भी जरूर बता दें कि ऐसी ऐसी बात है और उस पर हमको जांच करनी चाहिए। आपको चिंता है, आप जरूर बताएं। बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिए, सबको देना चाहिए। सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। पहले दिन सदन के भीतर हंगामे के आसार पहले से ही थे। मानसून सत्र का पहला दिन कई विषयों पर गर्माता दिखाई दिया है। अभी आने वाले दिनों में सरकार के कई काम बाकी है, लेकिन पहले दिन ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखाकर बता दिया है कि मानसून सत्र में वे सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी प्लानिंग में है। फराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।